हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, जाने का प्रोग्राम बन गया रेनी को छोड़ने का गांव, और हम लोग जा रहे हैं गांव। अचानक से ही बना है प्रोग्राम, वो भी हमारे वजह से अचानक ही बनता है, क्योंकि पतिदेव पहले कहीं और जा रहे थे तो उनका वहां जाना कैंसिल हो गया। तो बोल रहे रेनी को ऐसा करते हैं हम ही छोड़ गए थे, पहले मम्मी जा रही थी छोड़ने के लिए, तो फिर अभी बोले ऐसा करते हैं हम सब चलते हैं, बच्चों को भी ले चलते हैं, और वहाँ पे ट्यूबवेल है तो वहाँ नहाएंगे। तो बस फटाफट फटाफट से मैंने सामान रख लिया है, अपने जो कपड़े वगैरह रख लिए हैं और तैयार हो गए हैं सब। बस पतिदेव भी अभी गाड़ी को बाहर धो रहे हैं, लोग नहाने जा रहे हैं, उससे पहले गाड़ी को नहलाई जा रही है। ये पहले गाड़ी नहाएगी फिर हम जाएंगे नहाने के लिए। ऐसी से यही नहा लें, पाइप से बड़ा पाइप है ये, देखना। तो दोस्तों निकल लिए हम लोग गाँव जाने के लिए, और बच्चे वगैरह देखे जगराम माता रानी का बोल सच्चे दरबार की जय। दोस्तों ऐसे अचानक से प्रोग्राम बनाए, देखो ये कहाँ पहले मम्मी जा रही थी छोड़ने, और फिर अब हम लोग निकल गए। तो अभी देखो दोपहर को निकले हैं, 1:30 बज रहा है अभी, और 2:45 बज गए। अचानक से ऐसे ऐसे बनता है, मतलब कुछ नहीं पता चलता कि कब क्या टाइमिंग क्या बन जाए। तो बस निकल गए, मेहंदी लगाते लगाते ही बन गया प्रोग्राम। बस अब 1 घंटा लगेगा, हम लोग यानी आम लेने ना, आएंगे भी आएंगे आगे। अपनी माँ की जा रही है, अपनी माँ की नानी के काम जा रहा हूँ। बताए वो बनना है ओवर ब्रिज, जाम लगा रहता है ना, फ्लाई ओवर बनना है। तो यहाँ से लेंगे अब हम पतिदेव, अमरूद भी दिख गया ना, अमरूद के लिए अमरूद दिख गया ना। हाँ ये नहीं, अमरूद के लिए गए हैं सबसे पहले, तो ये इनको इतने अमरूद पसंद है, दोस्तों को पता होगा। देखो दोस्तों पहुँच गए अमरूद की गाड़ी पे, वही खाना शुरू कर दिया पहले अमरूद है ना, अमरूद पहले खाने शुरू कर दिया है। तो दोस्तों पहुंच गए, ये हैं छोटा ले मामा। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। और देखो रिनी कहाँ पहुंच गई, देखो वहाँ उधर जाकर ट्यूबवेल है, पापा जो है पहुंच गए, बड़े पापा जो है। वो बैग वगैरह ले लो। हाँ बैग ले लेते हैं, गाड़ी में बहुत धूप हो रही है, और अपने जा रहे हैं मिट्टी देखे खेत में, ये अंदर पैर दस रहे हैं इसमें। क्या हुआ सवाल,
कर दस रहे ना अंदर। बहुत अजीब लग रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये चल रहा है ट्यूबर, यहाँ आएंगे, यहाँ लेंगे आनंद एकदम ठंडे ठंडे पानी में नहा के। और देखो मम्मी पहुँच गई वहाँ पे अपने भाइयों के पास। नमस्ते मामा जी, नमस्ते मामा जी, नमस्ते। ये बड़े मामा, ये छोटे मामा, अमरूद आ रहे हैं। अच्छा, इस मामा के हाथ को है जी, इस पे अमरूद आ रहे हैं। ये देख लो अमरूद, प्यारा देखो अमरूद, तो बहुत पक रहे हैं अभी। जाओ बच्चा फिसल जाए ना पकड़ के। हाँ हैंड पकड़ के, हैंड पकड़ के साथ, ये लोग तो नहा रहे हैं, मम्मी के कपड़े गाड़ी में रह गए हैं, तो लेने जा रहा हूँ मैं। ये अभी मजे ले रहे हैं, मैं जा रहा हूँ गाड़ी से मम्मी के कपड़े निकालने। गाड़ी थोड़ा दूर है, गाड़ी खड़ी है वहाँ पर, मम्मी का बैग रह गया था। बहुत सब मजे ले रहे हैं, मेरे को यहाँ कपड़े लेके आना पड़ा है, मम्मी के बैग, मैं फिर गोते मारूंगा उसमें। सब इंजॉय कर रहे हैं। मजा मजा बहुत आया है भाई, बहुत मजा आया है, बेशकीमती मजा आया है। अभी सार्थक का तो मन बिल्कुल। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ कमजोरिया ना बोलिए, बाल चिकट से पानी का पाल से पाला से तो सही हो गए। तो नहा के अभी हो गए हैं हम तैयार, कंगी वंगी, बहुत मजा आया, इतना मजा आया, मौसम इतना अच्छा हो गया यहाँ पे। ये देखियो बारिश थी और बंद भी हो गई है, बारिश बहुत अच्छा हो गया है मौसम। अब जा रहे हैं घर, घर मतलब मामा के घर जा रहे हैं, और फिर वहाँ खाना वगैरह खाएंगे हम लोग। अब तो आ जाया करेंगे दोस्तों घर के। यहाँ से हम लोग जो ट्यूबवेल पे नहाए हैं, ट्यूबवेल पे नहाने के बाद अब लोग हम लोग निकले हैं घर जाने के लिए, और मामा के घर, और फिर वहाँ खाएंगे अब खाना वगैरह। भूख लगाई होगी है ना, बहुत टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया, तो चार बज गए खाना, भूख लगी अब तो, वैसे पेट बोलने लगा हमारा। देखिए मौसम इतना मस्त हो रहा है, सच में दिल खुश हो गया, ऐसा जब निकले तो कितनी गर्मी में निकले थे हम लोग। और अभी शादी में उससे बहुत अच्छा मौसम हो गया, निकले बाहर, अब ऐसे पहुँचने वाले हैं घर। जा तो नहीं है, बस जो ट्यूबवेल था और घर के बीच में बस 10 मिनट का ही रास्ता होगा। सार्थक जा रहा है आगे आगे मामा के साथ, मामा के साथ बाइक पे बैठ गया ये। तो ये आ गया मम्मी का स्कूल। मम्मी एट्थ तक पढ़े हैं मम्मी, और रिनी भी पढ़ी है, रिनी पढ़ी हूँ 6th से 8th तक। गांव का स्कूल है, हो गया तो सब पढ़ेंगे। क्या तो दोस्तों पहुंच गए गांव,
के घर अपने नानी के यहाँ। रेनी को देख कर आवाज लगा रहे हैं सब। याद कर रही है गाय भैंस, याद कर रही है, आवाज दे रही है। खाने की तैयारी हो गई, मामी ने पहले खाने की तैयारी कर ली थी, बता दिया था ना, तो दाल चावल मामी ने धो के रखे हैं, भोलुए है ना, हमारे भोलुए तो बोलते हैं, हाँ इसमें खिलाएंगे मामी दही, इसमें तो खाने का अलग ही मजा आता है, दही पूरा यहाँ चल रहा है खाना, देखिए में दही पहले निकाल के रखे हैं मामी ने, पहले ही जैसे पता चला कि आ रहे हैं दही, मामी ने कुल्लड़ उल्लड़ निकाल के साफ करके रख लिए। ये देना कैसे खेल रहे हैं आपके साथ खेल रहे हैं, उधर पहचान पहचान के उधर देख लिया ना उसने। दोस्तों चलने के लिए हो गए रेडी, सब चल रहे हैं, विदाई समारोह चल रहा है, लेते हैं सबसे लेते हैं, मेरे को भी मिल गए पैसे, मजा आ गया भाई, मजा आ गया भैया, पैसे मिल गए। दोस्तों निकल लिए हम लोग और टाइमिंग हो रही है 6:30 बज गए, तो दोस्तों निकल लिए हम लोग, अपने टाइम से पहुंच जाएंगे रात को, जैसे कर रहे थे 6 बजे से ही निकल रहे हैं, वही 6:30 बज गए हम लोग। ये देखिए दोनों छोटे छोटे दोनों बच्चे सो गए गाड़ी में, थक गए ना बच्चे, नहा के ज्यादा देर तक भी नहाओ तो थकावट हो जाती है, एक सवा घंटा बहुत देर, खूब देर नहा लिए, थक गए, शगुन तो नहीं सोया, शगुन तो जग रहा है। तो दोस्तों घर आ गए और अपना खाना वाना खा लिया, और इतनी थकावट हो गई आज, नहाए भी बहुत ज़्यादा थे तो उसकी वजह से भी हो सकता है, अब ऐसा लग रहा बस नींद आ रही है बहुत। तो बस मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।